जानते हैं कि अब वो समय आ गया जब हम केवल भगवान के लिए जीना है, लेकिन भगवान के लिए जीना और हर पल उसे याद करना मानव स्तर पर वास्तव में मुश्किल है, खासकर जब हम अपनी बाहरी गतिविधियों में भी उलझ रहते हैं। तो हम दैनिक आधार पर उसका अभ्यास कैसे कर सकते हैं या व्यवहारिक रूप में कैसे संभव है? ठीक है, ये एक्चुअली मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग अभी तक भगवान के लिए जीना सीखा नहीं। विवर्तन जो है, हमारा जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन में पहले हम अपने के लिए जीना सीखा, धीरे धीरे परिवार के लिए जीना सीखा, धीरे धीरे समाज के लिए जीना सीखा, धीरे धीरे देश के लिए जीना सीखा, अभी तक भगवान के लिए जीना हम लोग सीखा नहीं। हाँ, एक दो जो बहुत बड़ा ग्रेट आदमी मुनि ऋषि या साधु पुरुष, उनको लोग छोड़ दे, जनरली बोलते हैं, हम लोग सीखा नहीं, इसलिए ये सबसे कठिन है। लेकिन सही में ये कठिन नहीं, सही में ये सबसे इजी है, क्योंकि उनका ऊपर निर्भर कर देने से बाकी सब चीज़ ऑटोमेटिकली होगा आपका जीवन में। और अपने के लिए आप जियोगे तो दिन भर रात भर दौड़ना है, लेकिन कुछ नहीं होगा, ये सबसे इजी है, लेकिन हम लोग इसमें अभ्यस्त नहीं है, इसीलिए हम लोग को प्रैक्टिस करना है। तो कैसे प्रैक्टिस करना है? क्योंकि हम लोग स्वार्थ पर है, पहला प्रैक्टिस है निस्वार्थ होने के लिए प्रैक्टिस करना है, ये पहला प्रैक्टिस है, ये भी इतना ईजी नहीं है। उसका बाद निस्वार्थ पर, निस्वार्थ होने के बाद और एक बहुत बड़ा कठिन कार्य है, वो निरहंकार। क्योंकि एक आदमी निस्वार्थ पर हो सकता है, लेकिन निरहंकार होना ये बहुत बड़ा कठिन कार्य है। वो कैसा होगा? माता जी लिखें, श्री अरविंद ने लिखें, निष्काम कर्म करने से, जो भी काम कर रहे हो उससे फायदा मत सोचो, वो काम में आनंद लो और आध्यात्मिक जीवन में उसको भगवान को भी समर्पण कर लो, भगवान के लिए सोचो वो काम कर रहे हो। अगर ऐसा प्रैक्टिस करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तब धीरे धीरे भगवान के लिए जीना आसान हो जाएगा। भगवान को याद नहीं करने से अच्छा नहीं लगेगा, हर चीज़ आप जो भी करेंगे उनको याद कर ही करने के लिए अच्छा होगा। वो कुछ क्या निर्देश देते हैं क्या नहीं देते हैं वो पता नहीं है, लेकिन उनको बोलने से अंदर से आनंद आ जाएगा। कितना भी बड़ा भयंकर चीज़ हो रहे हैं बाहर में, हम लोग को पता नहीं चलेगा, वो अपने आप अंदर से एक सेंस ऑफ, उसको बोलते हैं सेंस ऑफ इनर सर्टिट्यूड, एक निश्चित बोध आ जाता है। ये जब जितना बढ़ते जाएगा उतना हम लोग को ईजी हो जाएगा। अरे उनका अगर हम लोग याद करते हैं तो सब कुछ इतना सरल हो जाता है, तो क्यों इसको ज़्यादा से ज़्यादा समय इसमें नहीं देंगे? ये जो चीज़ धीरे 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 बढ़ते जाएगा। भगवान के लिए जीना, भगवान के लिए जीना का अर्थ ये है कि वो क्या चाहते हैं हमारे अंदर में, इसको जानना है भगवान के लिए जीना। हम लोग अभी तक ये सीखा नहीं, मंदिर को जाते हैं क्यों जाते हैं? भगवान को कहने के लिए कि हम क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं मेरा जरूरत नहीं है, हम क्या चाहते हैं वो अगर आप पूर्ण कर देंगे तो मेरा पास बहुत चीज है, मैं आपको दे सकता हूं। तो भगवान के लिए हम लोग जीते नहीं, अभी तक नहीं जीते। भगवान के लिए जीना का एक प्रमाण है कि हर टाइम में पता होना है कि क्या भगवान मुझसे चाहते हैं, क्या चाहते हैं क्या, ये जो हर टाइम हमारे अंदर में आना है और स्थिर रहना है। धीरे 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 हमको वो यूज करेंगे अपने हिसाब से, पता नहीं चलेगा यूज करेंगे। उसको बोलते हैं राइट एटीट्यूड। राइट एटीट्यूड में हम लोग को पता नहीं वो क्या चाहते हैं, लेकिन हम उनसे व्यवहृत होते जाएंगे, वो राइट एटीट्यूड का बाद में पता चलेगा, बहुत साल का बाद में पता चलेगा वो हमसे क्या चाहते हैं, लेकिन हमसे हम उनका यंत्र हो जाते हैं। तो ऐसा ही धीरे 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 उनका यंत्र हो जाएंगे। ऐसा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं
सपोज मैं आपको पूछूंगा आपका घर में भगवान है क्या, आप बोलेंगे हाँ मैं रखा हूँ, हर रोज पूजा कर रहा हूँ। आपका घर में भगवान है ना भगवान का घर में आप है, सोच लीजिए एक बार। भगवान के घर में आप है लेकिन हर टाइम हम लोग को लगता है कि भगवान हमारा घर में है। ये है भगवान को भी हमारा अंदर में हम रख रखते हैं, तो मेरे लिए मैं जीता हूँ, भगवान को रखा हूँ क्योंकि मेरा काम वो करेंगे, इसलिए मैं घर में रखा हूँ। तो जब हम ये अनुभव करेंगे कि भगवान मेरा घर में नहीं है, मैं उनका घर में हूँ, अगर मैं उनका घर में हूँ तो उनका ऊपर मेरा डिमांड रहेगा या ग्रैटिट्यूड रहेगा, ग्रैटिट्यूड। तो आप अगर हर टाइम ग्रैटिट्यूड में रहते हैं वो प्रूव करता है कि हम भगवान के लिए जीते हैं। अगर क्लेम हर टाइम रहता है क्या किया इतना साल आपके लिए, मैं इतना समय दे दिया, अगर कहीं दूसरे जगह में देता तो करोड़पति हो जाता, अभी तक रोडपति हूँ, ऐसा ही हम लोग सोचते हैं। मेरा दोस्त अगर करोड़पति हो गया और मैं इधर हूँ माताजी का काम में, कभी कभी लगेगा कि अरे वो तो करोड़पति हो गया, मैं यहाँ आकर क्या कर ले, जीरो है, कुछ नहीं है, लेकिन वो जीरो में सब कुछ है। तो जब हर टाइम में एक ग्रैटिट्यूड, सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड आ जाएगा, अच्छा समय में तो आता है ठीक है, बुरा समय में आना है क्योंकि वो बुरा का पीछे भी अच्छा है। हम लोग जो देखते हैं बुरा वो सही में बुरा नहीं है, उसका पीछे भी मेरे लिए अच्छा है। तो तब हम लोग बोल सकते हैं कि हम भगवान के लिए जीते हैं। तीसरा है, हमको भगवान से चाहिए ना भगवान चाहिए। जब श्री कृष्ण का पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए थे, श्री कृष्ण अर्जुन के दिन दुर्योधन को पूछे तुमको क्या चाहिए, दुर्योधन बोला मुझे तुमको क्या चाहिए, मेरा पावर चाहिए ना मैच मुझे चाहिए। तो वो बोले आपको लेकर मैं क्या करूंगा, मेरे को युद्ध लड़ना है, आपका पावर दीजिए मैं जीतूंगा। तो वो ले गया, अर्जुन को पूछे श्री कृष्ण ने तुमको क्या चाहिए, मैं चाहूँ मुझे चाहिए ना मेरा पावर चाहिए। तो बोला मैं पावर लेकर क्या करूँगा, आप अगर नहीं है तो पावर कैसे रहेगा, सूर्य को, सूर्य अगर नहीं है सूर्य का किरण कैसा रह सकता है, मुझे आप चाहिए। कौन जीता युद्ध में, वो पावर लेकर हार गया, युद्ध श्री कृष्ण ने नहीं किया लेकिन जीत गया। तो इसको बोलते हैं भगवान के लिए जीना, ये अनुभव से धीरे धीरे बढ़ता है। अगर जितना हमारा अनुभव ज्यादा ज्यादा होगा उतना हम लोग को लगता है कि हाँ भगवान के लिए जीने में ही फायदा है, फायदा के लिए भगवान के पास मत जाओ। लेकिन अल्टीमेटली सही सही में अगर बोल हम लोग बोल सकते हैं तो भगवान के लिए जीने में ही फायदा है।